शादी के कुछ दिन पहले एक लड़की एक स्ट्रेंजर के करीब आ गई, पर वो स्ट्रेंजर ऑब्सेसिव था अपनी लाइफ से। अब वो उसे जाने नहीं देना चाहता। इस एक थीम के साथ आज के हमारी मूवी ब्रोकन वाउस 2016 की एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी आती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर टाराम से बात करती है। कहती है जिसके साथ वो शादी कर रही है उसने उस पर चीट किया था। उसे स्लोली स्लोली उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था। फाइनली उसके फियांसे माइकल ने उसे कन्फेस किया कि एक्चुअल में उसने वैसा ही किया है। वो रोया, गिड़गिड़ाया, टैरो से माफ नहीं करना चाहती थी, पर उसे लगता है कि वो वीक है इसी वजह से माफ कर देती है। इसके बाद एक रात वो अपने फ्रेंड्स के साथ शादी के पहले पार्टी करने के लिए आई हुई थी। उसकी नज़र यहाँ के बारटेंडर पैट्रिक पर पड़ती है। पैट्रिक बहुत ही हैंडसम था और टैरो उसे भी अच्छी लगती है। फ्रेंड्स में से ड्रिंक्स लाने के लिए कोई जाने वाला था तो टैरा कहती कि मैं जाती हूँ। उसे पैट्रिक से बात करनी थी। टैरा को स्टेयर करने लग गया। टैरा इसके बारे में उसे पूछती है तो पैट्रिक कहता है कि मुझे लगता है कि अगर एक पल भी मैंने तुमसे नज़र हटाए तो तुम गायब हो जाओगी। एक दूसरा कस्टमर अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करना चाहता था। पैट्रिक उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देता तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। टैरा कहती कि जाकर उसका ऑर्डर लेकर आओ। वो कस्टमर ज़्यादा आवाज़ करने लग गया था तो पैट्रिक ने उसके कान में कुछ कहा और वो कस्टमर डर जाता है, वहाँ से चला गया। इससे हमें पता चलता है कि पैट्रिक बहुत ही डेंजरस है। उसने फिर टैरा और उसके फ्रेंड के लिए फ्री ड्रिंक्स दिया। टैरा और उसके फ्रेंड जब क्लब से बाहर आए तो फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारा बारटेंडर बाहर ही खड़ा है, जाओ और उससे बात करो। सब फ्रेंड्स को भी पता था कि दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे। पैट्रिक टैरा का फ़ोन उसके हाथ से ले लेता है। अपना नंबर उसने फीड कर दिया और एक मिस कॉल दे दिया। टैरा ने कहा कि मुझे अब चलना चाहिए। अगले दिन पैट्रिक उसे बहुत कॉल करता है पर टैरा पिकअप नहीं करती। उसकी शादी फिक्स है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहती भले उसके फियांसे ने कुछ भी किया हो। आज रात फिर से वो पैट्रिक के बार में ही आ जाती है। पैट्रिक उसके करीब आ गया। टैरा उसे कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, पर पैट्रिक मानता नहीं, उसे किस कर लेता है। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह होने पर टैरा पैट्रिक से पूछती कि मेरे कपड़े कहाँ है। पैट्रिक ने उसे धोकर सुखा दिए थे। पैट्रिक के खुद के कपड़ों में सिर्फ एक सूट वगैरह ऐसा ही कुछ था। वो टैरा से पूछता है कि क्या हम एक साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, पर टैरा को जल्दी से यहाँ से निकलना था। पैट्रिक ने कहा मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है। रात में जाकर वो टैरा का नाम का टैटू कर लाया था, ये उसे दिखा देता है। उसने कहा कि तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो। टैरा देखकर बहुत ही डर के और जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। उसने जो भी किया था इसके लिए उसे बहुत ही गिल्टी लग रहा था। घर आने पर उसने रियलाइज़ किया उसका फ़ोन उसे कहीं भी नहीं मिल रहा। उसके फ्रेंड कॉल करने की कोशिश करती है तो पैट्रिक के घर पर हम उसका फ़ोन देख सकते हैं। टैरा अपने फ्लाइट के लिए लेट हो रही थी तो जल्दी से चली गई। घर आने पर उसका फियांसे माइकल फूल लेकर उसके लिए वेट कर रहा था। उसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है। टैरा के फ्रेंड डेबरा ने उसे समझाया कि उस रात जो भी हुआ इसके बारे में कभी भी अपने फियांसे को बताना मत। टैरा भी इस बात को समझ सकती है। फ्रेंड के जाने के बाद माइकल कहता है क्या हम सचमुच में थोड़े दिन नहीं मिल सकते। टैरा को बहुत सारी वेडिंग की प्लानिंग करनी थी तो इस वजह से वो माइकल से नहीं मिल सकती। पैट्रिक ने टैरा के फ़ोन में उसकी वेडिंग की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना है इसकी सारी लिस्ट देखी। वो टैरा से डायरेक्टली प्यार करने लग गया था। ये बात वो कैफे की वेटर को भी कहता है। सब कुछ वेडिंग की तैयारी चल रही थी पर फिर भी माइकल को टैरा से आज रात मिलना था। पहले तो टैरा उसे मना करती है पर माइकल ने उसे मना ही लिया। वो शाम में उसके घर पर उसे पिकअप करने के लिए आने वाला है। टैरा आज भी पैट्रिक के बारे में सोच रही थी। उसने जो भी किया इसके लिए उसे बहुत बुरा लगता है, वो बहुत रोती है। अपना काम खत्म कर वो घर पर आई। घर पर वाइन ओपन की हुई थी और दो ग्लासेस पड़े हुए थे। उसे लगा कि उसे पिकअप करने के लिए माइकल आया हुआ है तो उसे ढूंढते ढूंढते वो नीचे आके शावर से आवाज़ आ रहा था तो अंदर वो चली आती है। पर उसे डायरेक्टली शॉक लगा जब शावर से पैट्रिक बाहर निकलता है। अपनी सिटी छोड़कर वो डायरेक्टली टैरा की सिटी में आ चुका था। टैरा कहती कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। पैट्रिक कहता है कि तुम्हारा फ़ोन मेरे पास था, मुझे लगा कि हम दोनों को बात करनी चाहिए। टैरा कहती कि मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी, मेरा फियांसे जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ। पैट्रिक को लगता था कि उसके लिए टैरा अपने फियांसे से ब्रेकअप कर लेगी। टैरा उसे बता देती है कि उनके बीच में कुछ भी नहीं है। पर पैट्रिक इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। तभी माइकल नीचे आ गया। टैरा उसकी आवाज़ सुनकर डर जाती है। उसने पैट्रिक से कहा कि जल्दी यहाँ से चले जाओ पर वो मान नहीं रहा था। टैरा फिर उसे कल मिलने के लिए मान गए। माइकल और टैरा फिर डिनर के लिए जाते हैं पर टैरा उससे कुछ भी बात नहीं कर रही थी।
इस बात के लिए उसे सॉरी कह दिया। माइकल कहता है कि मैंने जो भी किया वो सिर्फ एक बार की बात थी। हमारे बीच में जो भी है मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें हमारे मैरिज के बारे में कुछ डाउट्स आ रहे हैं? टैरा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे प्यार करती है, उसी से शादी करना चाहती है। जैसे टैरा ने पैट्रिक को प्रॉमिस किया था कि कल वो उसे कैफे में मिलेगी, तो वो खुलने के पहले सुबह में ही पैट्रिक जाकर उसके बाहर वेट करने लग गया। आज टैरा को कुछ और काम थे तो उसे लेने के लिए उसके फ्रेंड डेबरा आ गए। टैरा उससे कहती कि मुझे कुछ और काम है, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। पैट्रिक इमेजिन करता है कि टैरा उसके पास आई। उसे कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये सब सिर्फ एक इमेजिनेशन ही थी। एक्चुअल में डेबरा ने जब टैरा से पूछा कि आज तुम क्या काम करने वाली हो, तो टैरा ने कहा मैं पैट्रिक से मिलने वाली हूँ, वो कल मेरे घर पर आ गया था। डेबरा कहती कि ऐसी गलती मत करना, अगर तुम उसे मिलने के लिए जाओगी तो हमेशा तुम्हें वो ब्लैकमेल करता रहेगा। पैट्रिक उसका दिन भर वेट करता रहा। टैरा के फ़ोन में उसके और माइकल की फ़ोटो देखकर वो जेलस होता रहता है। अपने आगे के काम कंप्लीट करने का टैरा डिसाइड करती है। वो अपनी वेडिंग ड्रेस के यहाँ पर आए तो वो लोग कहते हैं कि तुमने अभी अभी तो वेडिंग ड्रेस कैंसिल किया था। एक्चुअल में पैट्रिक टैरा के फ़ोन से कॉल कर सारी चीज़ें कैंसिल कर रहा था। टैरा को यह सब सुनकर डायरेक्टली शॉक लगता है। वो हर जगह पर कॉल करने लग गए। इनके गार्डन को कॉल लग नहीं रहा था, खुद जाकर उन्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। ये एक बड़ा ट्रबल हो सकता था, पर टैरा और उसकी फ्रेंड ने सबको कॉल कर इसे टाल दिया। गार्डन के यहाँ पर जाकर उसके ओनर से बात कर ये फिर से कंट्रोल ले लेते हैं। टैरा के फ़ोन में पैट्रिक ने उसके एक टीनेजर सिस्टर को नोटिस किया। डेबरा टैरा से पूछते हैं तुम पैट्रिक के बारे में जानती क्या हो? टैरा को उसका पूरा नाम भी पता नहीं था। फ्रेंड ने कहा कि हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवानी चाहिए, शायद उसने ये सब चीज़ें पहले भी की है, हमें सावधान रहना पड़ेगा। वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को जानती थी तो पैट्रिक के पीछे उसे लगा देती है। उस इन्वेस्टिगेटर ने पैट्रिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई। वो टैरा से कहता है कि पैट्रिक बहुत ही डेंजरस है, वो बहुत बार जेल में जा चुका है, वो ऑब्सेसिव है, उसे बहुत गुस्सा आता है और लोगों का वो पीछा भी करता है। वो जब छोटा था तो अपनी बेबी सीटर से प्यार करने लग गया था। उसकी बेबी सीटर ने उसे मना किया तो उसने घर को आग लगा दी थी। बेबी सीटर ने उसे बचा लिया पर खुद की उसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद पैट्रिक को एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया था। वहाँ पर और एक नर्स से वो प्यार करने लग गया। नर्स ने उसके खिलाफ कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लाया था। अब कुछ ही दिनों पहले उस नर्स की कार में आग लगने की वजह से डेथ हो गई। उन्हें लगता है कि ये सब पैट्रिक ने किया है। टैरा पैट्रिक के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटर कहता है मुझे पैट्रिक को हैंडल करने दो, उसे खुद जाकर समझा देगा। इसके नेक्स्ट सीन में पैट्रिक टैरा के सिस्टर के यहाँ पर पहुँच गया। वो हॉर्स राइडिंग करती थी तो उसके हॉर्स के सामने आ जाता है। वो उसमें इंटरेस्ट दिखाता है तो दोनों चलते चलते बात कर रहे थे। हॉर्स के साथ टैरा के सिस्टर की उसने एक फोटो भी ली। सिस्टर कहती कि मैं बचपन से हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ। पैट्रिक पूछता है क्या तुम्हारी सिस्टर वगैरह भी है? इसके बाद उसने उससे नाम पूछे तो टैरा की सिस्टर कहती है तुम बहुत क्वेश्चंस पूछते हो। टैरा की सिस्टर एमिली को यहाँ से जाना था पर पैट्रिक से मिलकर उसे अच्छा लगा था, कहती कि शायद हम फिर से मिलेंगे। पैट्रिक भी इसके लिए हाँ कहता है। होटल में टैरा के वेडिंग की सब तैयारियाँ चल रही थी। पैट्रिक ने एमिली को फिर से यहाँ पर नोटिस किया, उसे जाकर वो बात करता है। दूर से उसने माइकल को देखा। माइकल एमिली के पेरेंट्स से बात कर रहा था तभी पैट्रिक उसे डिस्टर्ब कर देता है। उसने कहा कि मुझे टैरा के बारे में तुमसे बात करनी है। वो कहता है कि टैरा ने तुम्हें हमारे बारे में नहीं बताया, तुम्हें उसे मेरे बारे में पूछना चाहिए। माइकल को लगा कि पैट्रिक टैरा का एक्स बॉयफ्रेंड है। माइकल कहता है मैं किसी भी चीज़ से मेरा मूड ऑफ नहीं करना चाहता, मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम अब यहाँ से चले जाओ। माइकल की खुद की एक्स गर्लफ्रेंड भी यहाँ उससे मिलने के लिए आई हुई थी पर उसे भी वो इग्नोर कर देता है। वो टैरा से शादी करने के लिए बहुत श्योर है। रात में पैट्रिक ने टैरा को धमकाने के लिए एमिली की फ़ोटो टैरा को भेज दी। टैरा जाकर एमिली से बात करती है, कहती कि पैट्रिक से ज़रा दूर रहना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। एमिली ये बात समझ नहीं पाती, उसे पैट्रिक बहुत अच्छा लगा था और वो सुनने वाली नहीं थी। पैट्रिक बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि टैरा उसे प्यार करती है, उससे शादी करेगी, तो उसके लिए वॉज लिख रहा था। इन वेडिंग वॉज से वो डायरेक्टली 3 नोटपैड भर देता है। वो इमेजिन कर रहा था कि टैरा उसके पास ही है। वो उसे कहता है कि जब मैं तुम्हें वेडिंग वॉज दिखाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रात में माइकल टैरा को घर छोड़ने के लिए आया पर अब तक उसने अपने वेडिंग वॉज लिखे नहीं थे। और वो टैरा को प्रॉमिस करता है कि मैं इनके बारे में बहुत सोच रहा हूँ। घर आने के बाद टैरा को पैट्रिक के वॉज मिलते हैं। वो इसे पढ़ती भी नहीं और डायरेक्टली जला देती है। ये जलाते हुए पैट्रिक उसे ऊपर से देख रहा था। अगली सुबह माइकल टैरा से मिलने के लिए आया। टैरा चाहती थी कि उसे सब कुछ बता दे
और माइकल कहता है कुछ भी बोलो मत, हमारे पास्ट में जो भी हुआ वो सब चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए और हम फ्यूचर पर फोकस करते हैं। टायरा ने जो भी किया हो माइकल को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर टायरा उसे गले लगा लेती है। अगले दिन टायरा की वेडिंग में पैट्रिक वेटर बनकर घुस गया। वो जाकर एमिली से बात कर रहा था पर ये बात डेबरा ने नोटिस की। उसे कहती कि मेरे साथ चलो, टायरा तुमसे बात करना चाहती है। पैट्रिक खुश हो गया, उसे लगता है कि टायरा उसे प्यार करने लग गई। डेबरा उसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के पास लेकर गई, उसे बहुत मारता है और मार मार कर बेहोश कर दिया। टायरा और माइकल की शादी अच्छे से हो गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। पैट्रिक इस बात से बहुत ही गुस्सा हो गया था। रात में डेबरा जब घर पर आती है तो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने गुस्से में उसे डायरेक्टली मार दिया। उसे डेबरा से पता चल गया था कि टायरा और माइकल कहाँ पर हनीमून के लिए गए। वो दोनों बीच के पास अपना हनीमून एंजॉय कर रहे थे। रात हो चुकी थी तो मैनेजर उनके पास आकर कहता कि रात भर मैं यही हूँ पर कोई भी स्टाफ नहीं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। रात में अचानक से पूरे होटल की लाइट चली गई। ये पैट्रिक ने ही किया था। टायरा और माइकल बहुत ही खुश थे। टायरा को ज़रा ठंड लग रही थी तो माइकल उसके लिए स्वेटर लेने के लिए गया। तभी पैट्रिक अचानक से उस पर हमला कर देता है। इन दोनों में बहुत फाइट हुई पर पैट्रिक ने एक पत्थर लेकर माइकल को बेहोश कर दिया। पैट्रिक उसे घसीटते घसीटते होटल में लेकर आया था। टायरा के पीछे से आता है, उसे लगा कि वो माइकल ही है पर ये पैट्रिक है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। पैट्रिक ने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है। वो गुस्से में टायरा को भी मार देने वाला था पर टायरा ने नीचे की लकड़ी उठाई, उसे आग लगा दी। पैट्रिक बचपन से आग से डरता था तो वहाँ से भागने लग गया। टायरा माइकल को ढूंढने के लिए होटल में आई और वो अब भी जिंदा है। वो दोनों यहाँ से निकल रहे थे। पैट्रिक बाहर माइकल को अकेला नोटिस करता है। उसने पूछा कि टायरा कहाँ है, उसे मार ही देने वाला था। तभी टायरा पीछे से आई और रस्सी लेकर पैट्रिक का गला घोट देती है। ये दोनों माइकल से बच गए थे। माइकल को टायरा हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। उसके खुद पर भी टेस्ट हुई थी तो टायरा को डॉक्टर से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। टायरा रियलाइज करती है कि शायद ये बेबी पैट्रिक का है। उसने जो भी किया इसके कंसिक्वेंसेस उसे वन वे और अनादर भुगतने ही पड़ेंगे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। इसकी उन्होंने एक ओपन एंडिंग रखी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।